हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप दोस्तों, मेरा नाम गगन है और कमेंट में भैया आप लोग बोल रहे थे कि रॉन्ग टर्न का रिव्यू करो। तो देखो, रॉन्ग टर्न का रिव्यू एक ट्रैप है भैया। एक बार आप जाल में फंस गए ना रॉन्ग टर्न के रिव्यू के, तो फिर आपको सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे और उसके इतने पार्ट है कि अभी तो मुझे खुद नहीं पता भाई। मैंने एक बार बहुत पहले मूवी देखी थी, क्योंकि पहला इसका जो मूवी आई थी ना वो 2003 में आई थी। तो दोस्तों, बिना किसी बकचोदी के अपने श्रवण यंत्रों को मेरे बुखार बिंदु की ओर केंद्रित रखें और हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जरूरी नहीं है लेकिन लाइक या डिसलाइक जरूर करते हैं वीडियो को, नहीं तो यूट्यूब को पता क्या लगता है कि ऐसा ही वीडियो था। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगलों से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हैली नाम के कपल रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे रिची ऊपर पहुंच जाता है ना, तो उसे अपने सामने गंदे पानी से घिरी हुई नदी दिखाई देती है। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वो हैली से कहता है कि जल्दी ऊपर आ वाली। अब हम हैली को देखते हैं जिसका पांव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है दोस्तों, और वो हवा में लटक जाती है। खुद को संभालते हुए वो एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ इस बार वो रिची को हेल्प के लिए पुकारती है, लेकिन रिची को वो सामने देखती रही है। वो परेशान हो जाती है, रिची कहाँ चला गया। अचानक उसके चेहरे पर खून के कुछ कतरे देख के वह हैरान रह जाती है। उसकी नजर रिची पर जाती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती, कोई इसे जोरों से ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी को काटते हुए खुद को संभालती है, पर वो संभल नहीं पाती बेचारी और नीचे गिर जाती है, जहां उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बेचारी रो पड़ती, उसकी चीख निकल जाती है। उसी दौरान उसे पहाड़ी से कुछ अजीब और गरीब आवाज सुनाई देने लगती है दोस्तों, जिसे सुन के वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। लेकिन तभी अचानक उसका पांव एक नुकीली तार में फंस जाता है, मतलब बहुत ही दर्दनाक सीन है दोस्तों। उस तार में फंस जाती है और वो कातिल उसे खींच कर अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों, हमारी नजर इस इलाके में हो रही वारदातों पर होती है, जहां न्यूज में हम इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की खबरें सुन रहे हैं दोस्तों। यहां तक कि लोग इस इलाके में जहां कैरिस को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है, सफर के दौरान वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है दोस्तों। और ट्रैफिक को आगे बढ़ता ना देखकर खुद को लेट होता पाता है, भैया लेट हो जाऊंगा ऐसे, तो गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहां उसके ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। ड्राइवर से बताता है कि भैया 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से कई घंटे यहीं अपन को गुजारने पड़ेंगे। यही सब सुन के बेचारा कैरिस परेशान हो जाता है, वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और खुद को ट्रैफिक में फंसता हुआ देखकर वो अपनी गाड़ी को वापस घुमा लेता है, यूटर्न मार लेता है। अब वो अपने लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फोन ही कट जाता है। अब फोन की तलाश में इसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर जाती है और वो अपनी गाड़ी वहां मोड़ देता है। रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं दोस्तों। इनके बीच से गुजरते हुए वो गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमार आदमी की तरह दिख रहा है। अब वो गाड़ी से उतर के कंपनी वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड था वहां पे, इसीलिए उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तभी इसकी नजर वहां पर लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां से शहर पर पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता दिखाई देता है। वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, उसे सुन के वो उसे इस रास्ते जाने की एडवाइस दे देता है, कहता चले जाओ। अब वो गाड़ी लेके उस रास्ते की तरफ चला जाता है, जहां वो घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को कहता है कि मेरे पास ऑप्शन ही क्या है। वो अपनी गाड़ी को इस रास्ते में ले जाता है। इसकी नजर एक मरे हुए हिरण पर जाती है। उसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने से आ रही गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों गाड़ियों का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कैरिस इस हादसे में बच जाता है। इस गाड़ी के मालिक शोर सुन के इसकी तरफ आ जाते हैं, जहां वो इसका हाल पूछते हैं। खुद को संभालते हुए कैरिस इनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम भरपाई करने की कोशिश करने लग जाता है। साथ ही वो इनसे बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की वजह भी पूछता है। यहाँ पर वो लड़की जिसका नाम ट्रांसीन है, वो उसे बताती है कि सड़क पे किसी ने कंटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। अब इनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाके कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन कैरिस कहता है कि वहाँ का फोन डेड है, वहाँ मत जाओ। और सभी अकेले चलने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि इवारो सीन नाम के लोग इस गाड़ी की रखवाली करने के लिए और यहाँ पर बने रहने के लिए यहाँ रुकने का फैसला कर लेते हैं। अब रास्ते के दौरान उनकी नजर सड़क पे मड़े एक नेवले पे जाती है, जिसे देखने से पता कैसा लगता है कि किसी ने पीछे से फाड़ के इसे फेंक दिया है। थोड़ी दूर जाके इन्हें जंगल में गाड़ियों के कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं। इसे देखकर उन्हें खतरे का अंदाजा होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। अब दूसरी ओर हम क्राइम सीन और इवान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हो रही है और वो इस जगह को देखता ही जाता है। और ट्रांसीन उसे वहां ना पाके परेशान हो जाती है।
और इसे ढूंढने इसके पीछे चली जाती है। चलते चलते उसकी नजर इवान के एक जूते पर पड़ती है और वो जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो इवान का कटा हुआ कान उसे दिखाई देता है। उसे देख के रोने लग जाती है। तभी एक आदमी उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे मार डालता है। वहीं दूसरे लोगों को हम रॉड के आखिर में देखते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनकी नजर घर पे जाती है। दोस्तों वो हेल्प मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं। कैरिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। जल्द ही इनको पता चलता है कि इस घर में तो कोई है ही नहीं। अब वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहाँ पे इनकी नजर खाने की टेबल पर चली जाती है। दोस्तों जिसे देखकर पता कैसा लगता है कि बरसों से घर में कोई सफाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ी की चाबियां मिलती है। दोस्तों जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। फ्रिज में ढेर सारे इंसानी कंकाल और जाने आंखें, लंग्स, गुर्दे, लिवर, सारे अंग सड़े हुए रखे हुए थे। और जैसी कोई कमरे में वही कटीली तार दिखाई देती है जिसने इसकी गाड़ी के एक टायर को फाड़ा था। ये सब देख के वो चारों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी कैरिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ एक गाड़ी उनकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से चारों को ऐसा लगता है कि अब तो वो वहां पे फंस गए हैं। दूसरी तरफ हम इस कातिल को अंदर आते हुए देखते हैं। अब वो अंदर आकर फैंसीन की लाश को जमीन पर फेंक देता है और हमारी नजर कैरिन और जेसी पर जाती है, जिसकी लाश को देखकर सख्ते में आ जाते हैं। दोस्तों और वहां पर हम पहली बार तीन आदमखोरों को देख रहे हैं, जो फ्रेंसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज औजारों से इसको काटना शुरू कर देते हैं। जहां ये खूनी मंजर देखकर जेसी और कैरिन चिल्लाने लगते हैं, वैसे ही स्कॉट इसके मुंह पे हाथ रख देता है। कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद सो जाते हैं। मौका पाके सभी लोग दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन पे पड़ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग घर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब इनके देखते ही देखते वो आदमखोर अचानक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं और कैरिस इनकी गाड़ी चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए इसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आदमखोर उस पर गोली चला देता है और वो उस गोली उसके पैर में लग जाती है। वो जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी तीन हैरान रह जाते हैं। अब स्कॉट को जंगल में भागते हुए वो देखते हैं और जैसे ही इसकी नजर ट्रक पर जाती है और वो इस ट्रक को देखकर इसकी तरफ जाने लगता है और इसी टाइम एक तीर आकर सीधा इसके सीने के आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जहाँ पे कुछ दूर जाके इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों के शिकार पर निकल पड़ते हैं। उनके लिए तो नया चैलेंज था ये। दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ काली उनको ऊपर देखने का इशारा करती है। जैसे ही वो पलट कर देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं। और हम इन तीनों को देखते हैं कि वो ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर किसी को ना पाकर वो उदास हो जाते हैं। फिर हम जेसी को वहां पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी वजह से वो कैरिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। काली रेडियो ऑन करती है, हेल्प मांगती है, पर दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं आता। कैरिस को नीचे से कोई आवाजें सुनाई देती है। उसको नीचे दिखाई देता है कि तीनों आदमखोर यहीं पर आ रहे हैं। वो तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनको ऊपर आता देखकर कैरिन क्या करता है कि वो जितना भी सामान रूम में था वो उसके दरवाजे पर अड़ाने की कोशिश कर देता है। और कुछ देर बाद वो इनको वहां से जाते हुए देखता है और काली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। पर तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। अब खुद को चलता हुआ देखकर काली अपनी जान बचाने के लिए वहां रखे एक बक्से की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ डालती है और कैरिस की नजर टावर के नीचे पेड़ की टहनियों पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए पेड़ की टहनियों पर कूद जाते हैं। नीचे खड़े आदमखोर ये सब देख लेते हैं और उन तीनों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और इनको आता देखकर वो तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे एक पेड़ को पार करने के दौरान एक आदमखोर कालीन के नजदीक पहुंच जाता है और मौका पाते ही अपनी कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर एक वार करके उसका काम तमाम कर देता है। अब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसे अपने पीछे गाड़ी का शोर सुनाई देता है और उसे पुलिस की एक जीप दिखाई देती है और वह भागते हुए उस गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, उसी टाइम एक तीर उसकी आंख के आर पार हो जाता है। दोस्तों अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कि कैरिस को मारने आता है और कैरिस अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। आदमखोर उसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे कुछ ना पाके वह हैरान रह जाता है। अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ पर इन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ था और जैसे ही वो वहाँ आदमखोरों जेसी को मारने लगता है, उसे बाहर से आती गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर वो आदमखोर दरवाजे की तरफ बढ़ता है
खैर इस गाड़ी लेकर उस पर हमला करते उसे कुचल देता है। गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बचे हैवान को एक नुकीले तीर से हमला करते हुए इसे भी मार डालता है। खैर इस जेसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है और इसी बीच वहां पर एक और आदमखोर उस पर पीछे से हमला कर देता है। खैर इसको मरता देखकर जेसी पास में रखे तीर की मदद से इसे मार डालती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसी बीच कैरिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जहां वो इसकी गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और इस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। हम दोनों फिर से सड़क को देखते हैं, जहां पर वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन पर पहुंचे थे और ट्रक को अपनी तरफ आता देख ट्रक का मालिक डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर देता है। अब कैरिस यहाँ पर जो मैप लगा था उसको फाड़ कर फेंक देता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट पर क्लिक करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।